केंद्र सरकार इस महीने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 से 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनकी आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। हालांकि श्रमिक यूनियन इस प्रस्तावित वृद्धि से खुश नहीं है। उनका मानना है कि इससे मूल्य वृद्धि के वास्तविक असर की भरपाई करने में मदद नहीं मिलेगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अध्यक्ष के एन कुट्टी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहमति वाले फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ता वृद्धि 2% होगी। यह 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होगी। हालांकि कुट्टी ने इतनी मामूली वृद्धि पर निराशा जताते हुए कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए बेंचमार्क माने जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविकता से दूर है। उन्होंने कहा कि जिन कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर श्रम ब्यूरो और कृषि मंत्रालय में मतभेद है। सहमति वाले फॉर्मूले के तहत केंद्र महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी खुदरा मुद्रा स्फीति के 12 माह के औसत के आधार पर करता है। सरकार दशमलव बिंदु के बाद मूल्य वृद्धि पर विचार नहीं करती। ऐसे में यह वृद्धि 2.95% बैठने के बावजूद सरकार डीए को 2% बढ़ा रही है। तो महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी से कई श्रमिक यूनियन नाराज नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार कब महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी करती है। देखते रहिए डीबी लाइव।